कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं थप रोटी थप दाल। देखो बच्चों, पाठ 10 पाठ्य पुस्तक से, यहाँ से हम ले रहे हैं प्रश्न कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसका उत्तर है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। दूसरा शीर्षक, आओ पकाएं रोटी दाल। इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों, आओ पकाएं रोटी दाल। आवाज़ वाले शब्द, थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो तो आवाज़ वाले शब्द कौन से हैं बच्चों? थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम्हें भी लिखने हैं, जैसे उत्तर है, पट, खर, चट, घर। अब देखो बच्चों, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो उनके नाम लिखो, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, बैडमिंटन, आँख मिचोली, फुटबॉल, कैरम बोर्ड। सोच कर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? खैर, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी? गै, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? इनके उत्तर हैं बच्चों, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना चाहती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर, आग जलाना भी नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। समझ आ गया बच्चों? क्या नीना चुन्नू और टिंकू से इसलिए दाल बनवाना चाहती थी कि वो लड़के हैं, उनसे दाल तो क्या बनेगी, उनसे चूल्हे में आग भी नहीं जलेगी, और जब उनसे आग नहीं जलेगी, दाल नहीं बनेगी, तो वह उनका मजाक उड़ाएगी और वो परेशान हो जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, खै का उत्तर, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा न ले जाए या बिल्ली खा न ले। खाने पीने की चीज़ें उन्होंने छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले और ना ही बिल्ली खा ले। गै, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। क्या करना चाहता था बच्चों? वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। अब तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन
बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। देखो बच्चों, खाना कौन बनाता है? मम्मी। मैं क्या क्या मदद कर सकता हूँ? सब्जी धो सकता हूँ, है ना। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सलाद काट सकता हूँ। अब खाना और कौन बनाता है? दादी बनाती है। मैं सलाद काट सकता हूँ और सब्जी धो सकता हूँ। पापा कभी कभी खाना लगा सकता हूँ और खाना लगाता हूँ, है ना बच्चों। देखो, इतनी मदद तो आप लोग अपनी मम्मी की कर ही सकते हैं, सलाद काट सकते हैं और सब्जी धो सकते हैं, तो ये मदद तो कर ही सकते हैं आप, है ना। और इतनी मदद हमें करनी भी चाहिए। तुम क्या बनाती हो? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन सी 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम, आलू की सब्जी। किन चीज़ों की ज़रूरत होती? आलू, प्याज, तेल या रिफाइंड, मसाले और टमाटर। पूरी, पूरी बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती? आटा, रिफाइंड और पानी। रायता, रायता बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती बच्चों? बूंदी, दही और नमक। अब देखिए बच्चों, मट्ठा बनाए। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दे दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है, दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। ठीक है बच्चों, सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। उत्तर, दही, हांडी, बिलोनी या रही, चीनी, पानी और बर्फ। अब खैर, बिलोना, घोलना, फेंटना। उत्तर है, इन तीनों कामों में क्या फर्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। देखो बच्चों, गै, किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। उत्तर है, बिलोते हैं दही, दाल और घोलते हैं दूध में चीनी, पानी में नमक व चीनी। फेंटते हैं पानी के साथ बेसन, शहद में दालचीनी का पाउडर। घै, सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। ठीक है, जैसे थाली, कटोरी, ग्लास, कढ़ाई, कलछी, छलनी, चिमटा, चकला, बेलन, प्रेशर कुकर, तवा, चम्मच। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकड़ाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। देखो बच्चों, कुछ जोड़ो, इनमें क्या जोड़ेंगे हम? घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन, कहाँ चले भई कहाँ चले, 2-3 नहीं 4 भले, रेल चली भई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार, रोटी दाल पकाएंगे,
खाएंगे खिलाएंगे। देखो बच्चों, ये तो हमने तुकबंदी करके एक कविता बना दी। अब हम इस पाठ का सारांश करते हैं। थप रोटी धप दाल पाठ का सारांश। पर्दा उठता है और बच्चे मंच पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना से रोटी का खेल खेलने को कहती है। वह उसे बताती है कि उसने अपनी माँ से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी सब चीज़ें ले ली हैं और अब उसके साथ रोटी का खेल खेलेगी। नीना तैयार हो जाती है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। बच्चों के बीच काम का बंटवारा होता है। टिंकू को बाजार से साग सब्जी लाने का काम मिलता है और चुन्नू को दाल बनाने का काम। सरला दही का मट्ठा चलाएगी और तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाएगी। टिंकू ने बढ़िया पकाई और चुन्नू ने दाल पकाई। लड़कियां रोटी बनाने का अभिनय करती हैं। वे गाती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। वे आधा खाना खाते हैं और आधा बचाकर रख देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आधा खाना खा लेते हैं और आधा बचाकर रख देते हैं। जैसे टिंकू ने बढ़िया पकाई और चुन्नू ने दाल पकाई। लड़कियां रोटी बनाने का अभिनय करती हैं। वे गाती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब सभी बच्चे मंच पर रोटी दाल खाने का अभिनय करते हैं। वे आधा आधा खाना खाते हैं और आधा बचा कर रखते हैं, फिर सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का प्रवेश होता है। वह म्याऊं करके चारों ओर देखती है और छींके पर से मक्खन और रोटी लेने का अभिनय करती है। वह रोटी को खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर चिल्लाती है, मक्खन मलाई कहाँ गई? बच्चे कहते हैं, वह तो बिल्ली चट कर गई। सभी बच्चे बिल्ली की खोज में जुट जाते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखने का अभिनय करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, बिल्ली मिल गई। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है और सभी उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। बिल्ली कहती है, अगर तुम सब लोग ऐसे ही टांग पसार कर सो जाया करोगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने की कोशिश करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। सारे बच्चे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब बच्चों, इस पाठ के शब्द अर्थ हैं। शब्द अर्थ तरकारी यानी सब्जी, करारी भूख यानी बहुत जोर की भूख, मट्ठा छाछ, भात पकाया हुआ चावल, पसारना फैलाना। देखो बच्चों, इस पाठ में इतने ही शब्द अर्थ हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ हमें पहले से ही आते हैं, ठीक है, तो वो हम अपने आप ही याद कर लेंगे। आज का हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।